और मैंने बनाया है मीठा पराठा, देखें आप मैंने किस चीज़ से बनाया है। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ आज कुछ मीठा, देखिए कितना डिफरेंट मीठा है। घर में कुछ मीठा नहीं था लेकिन ये बर्फियाँ रखी हुई थी खोए की, ये मिठाई आई थी तो वो रखी हुई थी। तो दो तीन दिन तो हम लोग फ्रेश खा लेते हैं, फिर मन नहीं करता, तो मैं इन बर्फियों का ही कैसे यूज़ करूँगी आइए देखते हैं। तो मैं अभी आटा, घर में रोज़ हम नॉर्मल रोटी के लिए जो बनाते हैं वो गूंदा हुआ रखा था, गूंदे हुए आटे को मैंने एक लोई ले लिया है, इसका मैं स्टफ पराठा बनाऊंगी बर्फी से ही। ये लेफ्ट ओवर बर्फी का बहुत अच्छा यूज़ है, कभी आपका मीठे का मन करे और घर में कुछ मीठा रखा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, कोई बता भी नहीं सकेगा कि आपने किस चीज़ से बनाया है। ये देखिए ये बर्फी को मैंने क्रश कर लिया है, आप मीठा जितना पसंद करते हैं उसके हिसाब से। अब मैंने आटे की लोई लेकर के इसमें ये बर्फी को क्रश करके डाल दिया है, इसको मैं बंद कर दूंगी। ये आटा नॉर्मल रोटी का जो बनाते हैं वही आटा गूंदा हुआ है, आप इसमें नमक मैं नहीं डालती हूँ, आटे में नमक डालने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ये झटपट बन जाती है, एक्चुअली मीठा खाने का मन है तो ये गरम गरम बनती है। इसको हल्के हाथ से बेलना है नहीं तो ये बर्फी का जो मावा होता है इसमें खोया सब बाहर आ जाएगा। तवे पर घी लगा करके इसको सेकना है, ऑयल में नहीं सेकना क्योंकि मीठा हमेशा घी में ही अच्छा लगता है। इस साइड से ये सेक गया है, अब मैं इसके साइड चेंज कर देती हूँ। देखिए मेरे बच्चों को बहुत पसंद था ये पराठा, जब बचपन में छोटे थे तब अक्सर मीठा पराठा खाने की इच्छा रखते थे तो कभी कभी तो मैं चीनी का बना देती थी, लेकिन कभी मिठाई हो घर में तो बर्फी का पराठा बहुत टेस्टी लगता था, या कभी पेड़ा होता था कोई की मिठाई हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखिए बन गया ना खस्ता, तैयार हो गया, मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब इसको सर्व करने के लिए मैं पीसेस में कट कर देती हूँ।